घंटे खड़े करने वाले हैं और जिसमें उन्होंने पूरे विश्व के बहुत सारे शहरों के बारे में रिपोर्ट दी है। दुख की बात यह है और चिंता की बात यह है कि दिल्ली जो है प्रदूषण के मामले में सबसे टॉप कर रही है, और दिल्ली एक ऐसी थी जिसमें जिस समय आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी उसी समय ये अलार्मिंग था कि दिल्ली में पॉल्यूशन, प्रदूषण के ऊपर कुछ करना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए करना चाहिए कुछ, किंतु हमने देखा कि सरकार ने ऑड इवन का ड्रामा किया, सरकार ने और बहुत सारी चीजें की, किंतु जिन कारणों से प्रदूषण फैलता है, चाहे वो रोड डस्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, चाहे वो ऑयल्स के कारण है, चाहे वो पावर प्लांट्स के कारण है, चाहे वो डीजल और दूसरे चीजों के कारण है, उसमें से सरकार ने किसी के ऊपर भी कोई काम नहीं किया। सबको निरोगी काया चाहिए और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी हवा शुद्ध हो, हमारे पानी शुद्ध हो, हमारी जमीन शुद्ध हो, हमारा खाने में शुद्ध हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछली सरकारों ने विशेष रूप से दिल्ली में, दिल्ली जिस देश की राजधानी है, जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बार बार जो है हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, फिर भी हम लोग जो है जागृत नहीं हो रहे हैं। आज और ये WHO की रिपोर्ट आने के बाद हम सब लोगों के आज जो जिस प्रकार से जन जागरण, एक प्रकार से साइकिल रैली है कि हम सब लोग जो अपने को प्रबुद्ध कहते हैं, जो अपने को समझदार लोग कहते हैं, उन सबको आगे आने आ करके और यहाँ की जो लोकल दिल्ली जो सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। सरकार को भी और लोगों को भी, सबको आगे आना चाहिए और हम लोगों को इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक स्वस्थ हवा में और स्वस्थ पानी के साथ जो है वो जी सकें अपने।